मध्य प्रदेश में भले ही अभी कुछ दिन बारिश का सिलसिला थम गया हो, लेकिन एक बार फिर जल्द ही प्रदेश में मानसून सक्रिय होने वाला है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भले ही मध्य प्रदेश में इन दिनों बारिश का दौर लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन मानसून अभी गया नहीं है, क्योंकि भारत के दक्षिणी क्षेत्र यानी ओडिशा की तरफ से एक और वेदर सिस्टम आने वाला है, जो अगले 2 से 3 दिन में मध्य प्रदेश पहुंचकर भारी तबाही मचा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से ज्यादा भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। यह सिस्टम पूरे मध्य प्रदेश को तरबतर करेगा, जिसमें लगभग 10 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इन्हीं इलाकों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, शहडोल, उज्जैन और इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में कहीं भारी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई, लेकिन फिर भी छुटपुट बारिश दर्ज की गई है। पानसेमल में 3 सेंटीमीटर, वारासिवनी जबलपुर में 2 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और शेष जगह में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। आगामी आने वाले दिनों की बात करें तो जो बे ऑफ बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र था, वो गहरे अवदाब के रूप में बदलते हुए ये सुबह आज बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था और ये लगभग 250 किलोमीटर बालासोर से दूर था, जिसके गहरे अवदाब यानी कि ये सिस्टम और मजबूत होकर के डीप डिप्रेशन के रूप में देखने को मिल रहा है और ये शाम तक बालासोर यानी उड़ीसा को क्रॉस कर जाएगा और ये धीरे धीरे उड़ीसा, झारखंड, नॉर्थ छत्तीसगढ़ होते हुए आगे की ओर ये मूव करेगा और इसके प्रभाव से हम देखेंगे कि आने वाले 3 से 4 दिन प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी होगी। खासकर देखें तो कल से पूर्वी मध्य प्रदेश में और उसके बाद 21 तारीख से पश्चिमी मध्य प्रदेश में रेन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जहां पर भारी वर्षा होने की संभावना होगी। अगले 24 घंटों में देखें तो रीवा संभाग के जो जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, यहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ जो जिले हैं उसमें छतरपुर, पन्ना, सागर, कटनी, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, ये जो जिले हैं यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। भोपाल के मौसम की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद हल्की बारिश होने की संभावना हो सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की। फिलहाल भारी बारिश को लेकर यहाँ मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वहीं प्रदेश सरकार ने सभी जिला प्रशासन को मुस्तैद रहने का आदेश दिया है, ताकि भारी बारिश के दौरान लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।